तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शौर्य और बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है शौर्य कंप्यूटर्स। तो गाइस, लास्ट टाइम किसी वजह से जो मेरा कैमरा है वो शूट नहीं कर पाया था रिकॉर्डिंग को, लेकिन आज मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ कंप्यूटर बेसिक की फर्स्ट क्लास जो कि है MS वर्ड डायरेक्ट कंप्यूटर पर। तो गाइस, आप जो सामने स्क्रीन देख रहे हैं इस स्क्रीन को कहा जाता है डेस्कटॉप। आपको जो सामने स्क्रीन दिख रही है इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि मेरा रीज़न आधा अचानक से क्लास क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइस, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको जल्दी से जल्दी नॉलेज की वीडियो मिले, तो इसलिए इस टॉपिक को जल्दी स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको ये स्क्रीन दिख रही है इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। और डेस्कटॉप इसे एक रीज़न से और कहा जाता है, क्योंकि जो PC होता है उसे डेस्कटॉप के ऊपर ही रखा जाता है, इसलिए इसे डेस्कटॉप भी कहा जाता है। देन आपको जो यहाँ पर स्क्रीन पे जो चीज़ें दिखती हैं छोटे छोटे जो लोगोज़ आपको दिखते हैं इन्हें कहा जाता है आइकन्स। समझ रहे हैं आप, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर देखिए जिस पर मेरा ये जो एरो चल रहा है इनको कहा जाता है आइकन्स, क्योंकि आइकन की मदद से हमें पता चलता है कि किस चीज़ का क्या यूज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे कि आपको व्हाट्सअप का आइकन दिख रहा है, तो हम व्हाट्सअप से चैट कर सकते हैं, तो इसलिए व्हाट्सअप का आइकन है। ये मेरे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का आइकन है, और रिकॉर्डिंग करने के लिए ये सॉफ्टवेयर आइकन है। दिस PC आपको दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ होंगी। तो इस तरीके से आइकन की मदद से हमें पता चलता है किस किस का क्या यूज़ है, इसलिए ना आइकन्स कहा जाता है। और जो आपको स्क्रीन पर जो एरो चलता हुआ दिख रहा है इस एरो को कहा जाता है कर्सर। ये जो आपको एरो दिख रहा है चलता हुआ इस एरो को कहा जाता है कर्सर। ओके गाइज, देखिए जब भी कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर को रिफ्रेश किया जाता है। अगर आपने मेरी एक लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, बट फिर भी देखिए, अगर आप जो माउस बटन है उसका राइट बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरीके से कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। ऑप्शन खुलने के बाद आपको कर्सर को रिफ्रेश पर लेके जाना है, देन ओके प्रेस करना है। राइट क्लिक, रिफ्रेश पे कर्सर और ओके। राइट क्लिक, रिफ्रेश पे कर्सर और फिर आपको लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है। राइट क्लिक करना है, देन रिफ्रेश पे कर्सर लेके जाना है और फिर लेफ्ट क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप 5 से 6 बार रिफ्रेश कर सकते हैं। और रिफ्रेश क्यों करते हैं ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, तो प्लीज़ आप उस लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो क्लियर कट समझ में आएगी। बट फिर भी अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को यहीं से समझ सकते हैं, क्योंकि आज हम पहली बार कंप्यूटर पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो गाइज, जो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड। देखिए गाइज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 3 पार्ट होते हैं मेन जो होते हैं, वो होते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। यहाँ पर MS वर्ड जो है, MS जो है माइक्रोसॉफ्ट को कहा जा रहा है और वर्ड इसका सबसे पहला पार्ट है। और MS वर्ड के अंदर हम करते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्ड का मतलब होता है, देखिए गाइज, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट काम होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पैम्पलेट बनाना हो, रिज्यूम बनाना हो, और आपका क्वेश्चन पेपर टाइप करने हो, या फिर कैलेंडर डिज़ाइन करना हो, फोटो से फ़ोटो बनाने हो, या फ़ोटो पे कुछ स्टाइल करना हो इजीली जो डॉक्यूमेंट पे होता है, इस तरीके के काम सब होते हैं MS वर्ड पर। तो MS वर्ड को इसलिए कहा जाता है एंड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करने वाला सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर अब हम एक बार MS वर्ड को ऑन करके देखते हैं। देखिए, MS वर्ड ऑन करने के लिए आपको जो स्क्रीन पर एक छोटा सा ये दिख रहा है इसको कहा जाता है स्टार्ट बटन। देखिए, जहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है इसको कहा जाता है स्टार्ट बटन। आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये पेज खुलेगा। दोबारा देखिए, स्टार्ट बटन पे क्लिक करा, देन ये पेज खुला। और यहाँ से देखिए जो पॉइंट है ये दिख रहा है आपको लाइन, इसको यहाँ से इसको ग्रिप कर लेना है। लेफ़्ट बटन जो माउस में होता है, जो माउस के अंदर लेफ्ट बटन होता है वो उसको ओके करने के लिए या ग्रिप करने के लिए होता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखूँगा, देन प्रेस करे करे मैं इस तरीके से नीचे लेके आऊँगा। देखिए यहाँ पर हमें देखना है MS वर्ड, तो यहाँ पर देखिए डाउन करेंगे और आपको दिख रहा होगा यहाँ वर्ड 2016। आप ध्यान दिया जी, यहाँ पे वर्ड 2016। एक बार मैं दोबारा दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे आएंगे, देन यहाँ पर आने के बाद स्क्रॉल को इस तरीके से डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा MS 2016, और मैं यहाँ पर आपको 2016 सिखाने वाला हूँ। देन इस पर ओके क्लिक करेंगे तो ये ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए ये ऑन हो चुका है, हम एक्स्ट्रा पेजेस पे ध्यान नहीं देंगे, हमारे लिए फ़िलहाल मेन पेज है ये वाला जो ब्लैंक पेज है, क्योंकि हम ब्लैंक पेज से सीखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। और मैं आपको बता दूंगा, अगर कि आपको किसी प्रोग्राम को कट करना हो तो देखिए ऊपर ये जो क्रॉस ऑप्शन दिखता है ये वाला, देख रहे हैं जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, इस क्रॉस ऑप्शन से जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए कट जाएगा। देन दोबारा देखिए स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ जाने के बाद ऐसे स्क्रॉल करके नीचे लेंगे, देन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट
एमएस वर्ड 2016 पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सॉरी दोबारा ऑन कर लेते हैं, 2016 पर क्लिक करना है और यहाँ से 2016 हो जाएगा ऑन। अब देखिए आपको जो पहला पेज दिख रहा है जो ब्लैंक है, इस पर आपको क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपको सबसे पहला इंटरफेस दिख रहा है यही है वर्ड का इंटरफेस, और ये जो आपको वाइट पेज दिख रहा है आपको सामने जो देखिए ब्लिंक कर रहा है जो पॉइंट और जो एरिया दिख रहा है वाइट वाला, इसको ही कहा जाता है डॉक्यूमेंट पेज। एमएस वर्ड के पेज को कहा जाता है गाइस डॉक्यूमेंट पेज। और डॉक्यूमेंट पेज के जस्ट ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ दिख रहे होंगे लाइक फाइल हो गया, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू व्यू। दोबारा बता रहा हूँ, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू व्यू, तो इन्हें कहा जाता है मेन्यू बार। मेन्यू बार, और मेन्यू बार देखिए मेन्यू जैसे आपने मोबाइल में मेन्यू देखा होगा इसी तरीके से ये मेन्यू होते हैं इस एमएस वर्ड के। और बार इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऊपर इस सीरीज से लगे होते हैं इसलिए इन्हें बार कहा जाता है, और पूरा इन्हें कहा जाता है मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर देखिए आपको जो सब छोटी छोटी चीज़ दिख रही है जिसमें मेरा कर्सर चल रहा है, और दिखाता हूँ, देखिए इंसर्ट के अंदर भी है, डिज़ाइन के अंदर भी है, लेआउट और मैं रेफरेंस, मेलिंग्स और रिव्यू व्यू के अंदर भी ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और इन्हें कहा जाता है टूल्स। ओके गाइज, इन सब को कहा जाता है टूल्स, और क्योंकि टूल्स की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट पे वर्क कर पाते हैं। मान लीजिए हमें साइज़ बड़ा करना हो, किसी चीज़ का छोटा करना हो, तो टूल्स की मदद से ही होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है टूल्स। ओके गाइज, तो दोबारा बता रहा हूँ, ये जो आपको पेज दिख रहा है इसको डॉक्यूमेंट पेज कहा जाता है, और जो आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहे हैं ये वाले कहा जाते हैं मेन्यू बार, और ये जो नीचे दिख रहे हैं सब कहलाते हैं टूल्स। तो ये तो हुआ इसका इंटरफेस। अब बात करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास कहाँ से स्टार्ट होने वाली है। देखिए फर्स्ट डे जो क्लास स्टार्ट होती है वो होती है इंसर्ट मेन्यू बार से। आप देख रहे हैं होम से जस्ट नेक्स्ट है इंसर्ट, देन आपको इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद सबसे पहला जो टूल होता है वो होता है हमारा वर्ड आर्ट। कन्फ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, देखिए यहाँ पर इंसर्ट पे आए हैं। इंसर्ट पे आने के बाद सबसे पहला टूल होता है हमारा वर्ड आर्ट। आप देख सकते हैं वर्ड आर्ट की मदद से हम स्टाइलिश वर्डों को डिज़ाइन करते हैं। मान लीजिए आपको पैम्पलेट डिज़ाइन करना है तो आप इस ऑप्शन की मदद से बहुत इजीली पैम्पलेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज हम इस चीज़ के कुछ प्रैक्टिकल्स भी जानेंगे। देन देखिए आप वर्ड आर्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कुछ स्टाइलिश वर्ड ओपन होंगे, इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर मान लीजिए मैं फर्स्ट वाला स्टाइल इस तरीके से क्लिक करके ले लेता हूँ, और यहाँ पर हर बार हम ओके का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है योर टेक्स्ट हियर, तो योर टेक्स्ट हियर के पास क्लिक करना है। देन कीबोर्ड के अंदर एक बैक स्पेस बटन होता है, उससे एक्स्ट्रा वर्ड हटा देने हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हटाने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ मेरठ कॉलेज, तो देखिएगा इस तरीके से मैंने मेरठ कॉलेज टाइप किया है। आप देख सकते हैं मेरठ कॉलेज यहाँ पर टाइप हो चुका है, और टाइप होने के बाद अगर आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ ऑप्शंस खुले हैं ऊपर, अगर कहीं मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो वो ऑप्शंस गायब हो जाएंगे। देखिए जब मैं इसमें से किसी भी वर्ड पर क्लिक करूँगा तो ही फॉर्मेट ऑप्शन खुलेगा। फॉर्मेट ऑप्शन ऑन होने के बाद यहाँ पर देखिए जो ऊपर ये सब दिखाई दे रहे हैं ये इसके फॉर्मेट के टूल्स हैं। मतलब अगर इस वर्ड के अंदर आपको कुछ भी एडिटिंग करनी है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो वो इस फॉर्मेट ऑप्शन की मदद से ही होंगे। और अगर कहीं आप बाहर क्लिक कर देते हैं तो अब आप इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो एक बार इस पर क्लिक करते हैं, देखिए ऊपर ऑप्शन खुला। इसको डिलीट करना है तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। देन क्लिक करने के बाद जो कीबोर्ड के अंदर डिलीट बटन होता है आपको उसको प्रेस करना है और ये डिलीट हो जाएगा। दोबारा देखेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद वर्ड आर्ट, और यहाँ से फर्स्ट स्टाइल ले लेंगे। अगर आपको कीबोर्ड कीज़ में कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ एक बार आप कीबोर्ड थोड़ा सा देख लीजिए, किसी अपने फ्रेंड का या किसी भी साइबर कैफ़े में कोई कंप्यूटर कीबोर्ड है तो आप उस पर थोड़ा देख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि मैं किन कीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्प्ले पे शो करता रहूँगा। दोबारा देखिए, देखिए मैंने वर्ड आर्ट से स्टाइल ले लिया है, और यहाँ से इसको एक्स्ट्रा वर्ड को हटा देंगे। मान लीजिए अगर वो गलती से हट गया है और उसे वापसी लेके आना है तो कीबोर्ड के अंदर एक की होती है कंट्रोल जेड। देखिए कंट्रोल जो होता है एक फंक्शनल बटन होता है, और ये फंक्शन तभी करता है जब ये किसी की के साथ कनेक्ट होता है, मतलब किसी अल्फ़ाबेट के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, देन यहाँ से हम एक अल्फ़ाबेट दबाएंगे जो है जेड। तो जैसी जेड प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये वापसी आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसको हटा दूँ किसी वजह से, गलती से हट जाए अगर ये, तो देखिए कंट्रोल जेड प्रेस करते ही वो दोबारा वापसी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर जैसे हमने लिखा MWERUTCOLLEGE,
मेरठ कॉलेज। देखिए यहाँ पर मेरठ कॉलेज हमने टाइप कर दिया है, देन इस पर क्लिक करके अब हम फॉर्मेट पर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर गाइस सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर शेप्स। अगर आपको किसी तरीके की शेप डिज़ाइन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कैसे शेप डिज़ाइन होंगी, मान लीजिए मुझे इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, रेक्टेंगल बॉक्स पर क्लिक करूँगा। देन इस पर क्लिक करने के बाद देखिए जब स्क्रीन पर लेके जाऊँगा तो एक प्लस पॉइंट बनेगा। देखिए अगर जैसे मैं लेके जा रहा हूँ, क्लिक करा, देन क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं कर्सर लेके गया तो देखिए प्लस पॉइंट बन चुका है। इस प्लस को ओके के बटन से आपको इस तरीके से ग्रिप कर लेना है, ग्रिप मतलब इसको पकड़ लेना है। देन यहाँ से अब जैसे जैसे पीछे लेंगे तो देखिए शेप बनती चली जाएगी, जितनी बड़ी शेप चाहते हैं आप उतनी बड़ी शेप बना सकते हैं, और जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे तो ये शेप रेडी हो जाएगी और आप इसके अंदर क्लिक करके आप कुछ लिख भी सकते हैं देखिए इस तरीके से। और अगर आपको इसके साइज़ को थोड़ा एडजस्ट करना है तो आपको साइड में छोटे छोटे वाइट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए मैं किसी वाइट पॉइंट के पास कर्सर लेके जाऊंगा तो देखिए इस तरीके से एरो बनेगा। तो यहाँ पर साइड में लेके जाइए, एरो बनाए, इस एरो से इसको ग्रिप कर लीजिए, ग्रिप में इस पकड़ लीजिए, देन ऐसे अप साइड लेंगे तो ये छोटा होगा और डाउन में करेंगे तो इसमें साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा लाइक दिस। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ साइज़ बड़ा हो रहा है, आगे की तरफ साइज़ छोटा हो रहा है, इस तरीके से छोड़ दीजिए। और डिलीट करना है तो कीबोर्ड में डिलीट बटन है, प्रेस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। और गलती से डिलीट हो गया, वापसी लाने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे इस तरीके से, देन डिलीट से डिलीट क्लिक करना है शेप पे और डिलीट कर देना है इस तरीके से। सॉरी डिलीट नहीं हो रहा, एक सेकेंड रुकिए, क्लिक करना है और डिलीट। वापसी लाने के लिए चाहे आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं। दोबारा देखेंगे यहाँ पर जाएंगे, देन फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए कोई एरो चाहिए तो इस तरीके से आप एरो डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रेस करके रखना है, देन जब आपका एरो बन जाए तब आपको छोड़ देना है। डिलीट करना है तो डिलीट बटन से डिलीट हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर है एडिट शेप। मान लीजिए आपने इस तरीके से कोई शेप डिज़ाइन करी है और आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर एडिट शेप पे जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे एडिट शेप्स पर, और अब आप देखिए इसकी शेप में आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं लाइक दिस। देखिए इस पॉइंट को पकड़ के इस तरीके से इसमें चेंजेस हो रहे हैं। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस कन्फ्यूज़न को अगली वीडियो में क्लियर कर दूँगा। तो देखिए इस तरीके से शेप बन गई है। आपको देखिए दोबारा देखिए एडिट शेप पे जाना है, देन चेंज शेप पे क्लिक करना है, एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करके देन देखिए आप इसमें एडिट कर सकते हैं। तो गाइज मैंने इस तरीके से यहाँ पर बना दी एक पतंग। वैसे मेरे को पतंग उड़ानी आती नहीं है बट फिर भी ये उल झुल पतंग बन चुकी है। डिलीट करने के लिए आप कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा ये। चलिए दोबारा इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पर आते हैं। यहाँ पर है ड्रो वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करना है। ड्रो टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप एक टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन कर सकते हैं ऐसे शेप की तरह ही, लेकिन अब आप इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। हटाने के लिए इरेज कर दीजिए, एक बार और दिखाता हूँ। देखिए डिलीट करेंगे इसको, यहाँ से इसमें क्लिक करेंगे तो ही ऑप्शन खुल रहा है। यहाँ पर देखिए ये है ड्रो टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद सेम शेप जैसा एक यहाँ पर प्लस पॉइंट बन के आएगा, इसको ग्रिप करके रखना है और इस तरीके से साइज़ बड़ा करना है। ये हो चुका है साइज़ बड़ा। अब यहाँ पर जैसे देखिए मैं टाइप करता हूँ, तो देखिए इस तरीके से मैंने टाइप कर दिया है शौर्य कंप्यूटर्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और अगर आपको इसको हटाना है तो इस पर क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। दोबारा इस पर आएंगे तो चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें देखिए, अगर आपको देखिए मैं अगर स्टाइल लूँगा कुछ देखिए तो कुछ यूनिक कलर होंगे। देन दोबारा इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से इस पॉइंट पर, जैसे देखिए ऑरेंज कलर आया, इस पॉइंट पर क्लिक करो देखिए येलो कलर आया, देन इस पॉइंट पर क्लिक करा ब्लू कलर आया। आपको देखिए यहाँ क्लिक करना, आप देख सकते हैं छोटे से पॉइंट पर सिखाया जाता है मोर, मोर पे क्लिक करना है। देन देखिए यहाँ से जैसे मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ज़्यादा डार्क हो गया, क्लिक करके इस तरीके से लेना है, क्लिक करना है और यहाँ से मान लीजिए येलो कलर ले लिया है, दोबारा इस पर क्लिक करना है, ये कलर लेना है। अगर आपको नहीं चाहिए कोई भी कलर तो मैं आपको बता दूँ आप दोबारा से पहले वाला स्टाइल ले सकते हैं। हमेशा जो फर्स्ट स्टाइल होता है वो MS वर्ड में नॉर्मल होता है। देखिए इस तरीके से नॉर्मल हो गया। कोई स्टाइल चाहिए तो आप स्टाइल ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो यहाँ जाके नो स्टाइल, तो ये सिंपल हो जाएगा। और देखिए यहाँ से है शेप फिल। देखिए अभी तक हम जो कलर कर रहे थे वो ये बने बनाए थे, लेकिन हम अपनी तरफ से कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आया है शेप फिल। तो यहाँ पर शेप फिल पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से शेप फिल पे मैंने क्लिक करा
जैसे ग्रीन कलर, देखिए ग्रीन कलर हो जाएगा। शेप फिल पे ओके क्लिक करना है, जैसे देखिए येलो कलर। शेप फिल पे क्लिक करना है लाइक रेड कलर। अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो शेप फिल पे क्लिक करके यहाँ से देखिए लिखा है नो फिल, सेकंड नंबर पे नो फिल हट जाएगा। दोबारा जाएंगे यहाँ शेप फिल पे, मान लीजिए मैंने ब्लू कलर कर दिया, नहीं चाहिए तो यहाँ जाके कर देंगे नो फिल, कलर खत्म हो जाएगा। देन यहाँ पर जाइए देखिए, उसके बाद है मोर फिल कलर्स, मोर मिस और ज़्यादा, फिल मिस भरना, कलर मिस रंग। अगर हमें और ज़्यादा रंग भरने हैं, मान लीजिए कोई कलर हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो हम मोर फिल पे इस तरीके से आ सकते हैं और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई अच्छा सा कलर डिज़ाइन करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे तो देखिए कलर आ जाएगा। दोबारा देखेंगे यहाँ क्लिक करेंगे, देन मोर फिल पे जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग कोई अच्छा सा कलर डिज़ाइन करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे, कलर बन जाएगा। और नहीं चाहिए तो हम कर सकते हैं नो फिल, कलर हट जाएगा। और यहाँ पर जाएंगे देखिए, कलर से कोई भी कलर हो सकता है, नो फिल से कलर हट जाएगा। मोर फिल से हम अपनी तरफ से कलर ले रहे हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर, देखिए हम चाहते हैं कि हम कलर की जगह पे कोई पिक्चर लगा दें, तो देखिए यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये वहाँ पहुँचा देगा जहाँ भी कंप्यूटर में पिक्चर होंगे। तो देखिए मैं पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, देन ये चला गया ऑफलाइन। दोबारा करते हैं एक बार, यहाँ क्लिक करेंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कह रहा है वर्क ऑफलाइन। देखिए जो ये अपडेट वर्जन है, तो यहाँ पर अगर इंटरनेट होता तो डाट इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता, लेकिन हम जाना है वर्क ऑफलाइन, तो वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से ये कुछ फ़ोटोज़ खोली हैं, लाइक मैं इस फ़ोटो को ले लेता हूँ और कर देता हूँ देखिए इंसर्ट। तो देखिए इसके अंदर एक पिक्चर लग चुकी है काफ़ी अच्छी खासी। हटाने के लिए यहाँ जाएंगे शेप फिल पे, यहाँ कर देंगे नो फिल। एक बार फिर देखिए शेप फिल, देन शेप फिल पे जाने के बाद पिक्चर, पिक्चर यहाँ पे जाना है वर्क ऑफलाइन, और उसके बाद पिक्चर को सेलेक्ट करना है और कर देना है इंसर्ट। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर इस तरीके से अप्लाई हो जाएगी। और अगर इसको हटाना हो तो शेप फिल पे जाएंगे, यहाँ कर देंगे नो फिल। ओके गाइस, देखिए मैंने अभी 4 पॉइंट्स कराए हैं। पहला आप कोई भी कलर कर सकते हैं, सेकंड नो फिल से कलर ख़त्म हो जाएगा, थर्ड अगर आप कोई कलर अपनी तरफ से करना चाहते हैं तो मोर फिल पे जाएंगे, पिक्चर से आप कोई पिक्चर लगा सकते हैं। ग्रेडियंट, देखिए अगर कलर एक से ज़्यादा हो तो उसको कहा जाता है ग्रेडियंट, अगर कलर एक से ज़्यादा हो तो उसको कहा जाता है ग्रेडियंट इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्रेडियंट खुला है, देन देखिए लाइक मैं ये वाला ग्रेडियंट इफेक्ट लेता हूँ, तो देखिए बीच में से डार्क हो चुका है और साइड में से लाइट हो चुका है। थोड़ा इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं, साइड में से ग्रिप करके थोड़ा साइज़ से बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद जैसे ग्रेडियंट पे जाएंगे, देन यहाँ से देखिए ये ग्रेडियंट इधर से राइट साइड से डार्क हो गया और लेफ्ट से थोड़ा हो गया लाइट। दोबारा ग्रेडियंट पे जाएंगे और यहाँ से जैसे हमने ले लिया ये, देखिए अप से रेड हो गया और डाउन से हो गया ये लाइट कलर। यहाँ जाएंगे, नहीं चाहिए तो नो फिल। पर देखिए यहाँ पर कलर बार बार एक ही आ रहा है, हमें अपनी तरफ से अगर कोई कलर चाहते हैं तो देखिए दोबारा शेप फिल पर जाएंगे, यहाँ जाएंगे ग्रेडियंट पर, और ग्रेडियंट पर जैसे ही आप जाएंगे तो देखिए नीचे आपको दिखाई देगा मोर ग्रेडियंट्स, आप देख सकते हैं। दोबारा देखिए शेप फिल पर गए, देन यहाँ जाने के बाद ग्रेडियंट, और यहाँ देखिए नीचे दिखाई देगा मोर ग्रेडियंट, और आपको मोर ग्रेडियंट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर ये पेज खुलेगा, देन यहाँ से आपको जाना है सॉलिड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे जाने के बाद यहाँ से आपको ग्रेडियंट को कोई पसंदीदा कलर ले लेना है इस तरीके से, जो आपको पसंद आए। देखिए दोबारा दिखा रहा हूँ, यहाँ से इसे कट कर देंगे छोटे से पॉइंट से। एक बार और देखिए शेप फिल पे गए, यहाँ जाने के बाद ग्रेडियंट, और देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ग्रेडियंट के बाद मोर ग्रेडियंट्स। यहाँ जाने के बाद यहाँ पर साइड में एक पेज खुला है और यहाँ पर आपको जाना है ग्रेडियंट फिल पर। ओके गाइस, ग्रेडियंट फिल पे जाने के बाद यहाँ से जैसे देखिए मैंने कलर ले लिया था ब्लू, और इसमें कलर आपको चेंज करना है तो आपको इस पॉइंट पर क्लिक करना है, देन यहाँ इस छोटी सी बकेट पे जाना है, आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करके देन आपको बकेट पे जाना है। और जैसे मैं यहाँ कलर लेता हूँ रेड, और अब इस पॉइंट पर क्लिक करना है थर्ड वाले पे, यहाँ जाना है और यहाँ से जैसे मैंने कलर लिया येलो, और बीच में अगर आप कोई कलर नहीं चाहते तो बीच में क्लिक करके कलर कर दीजिए वाइट, लाइक दिस वाइट इस तरीके से, और बस यहाँ से क्लोज कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली कलर आ चुका है, तो आप देख सकते हैं कितना शानदार कलर हो गया यहाँ पर। एक बार और देखेंगे, शेप फिल पे जाना है, शेप फिल पे जाने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट पे जाना है, और यहाँ से जाना है मोर ग्रेडियंट, मोर ग्रेड पे जाने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट फिल सेट है, और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मेरे को चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए मेरे को ब्लू, तो यहाँ क्लिक करके आप कलर ले लेंगे ब्लू, और इस पॉइंट पे मेरे को कलर चाहिए जैसे येलो, तो देखिए येलो कलर ले लेंगे तो देखिए कलर आ जाएगा, और मिलने के बाद कट। तो कैसा लग रहा है? नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं नो फिल। ओके गाइस, नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं नो फिल। वैसे वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, बट लेकिन फिर भी
अभी ऑप्शन ज़्यादा नहीं हुए हैं। देन यहाँ पर जाएंगे दोबारा से, देखिए टेक्सचर, टेक्सचर सेम पिक्चर की तरह होता है, टेक्सचर पे जाइए, मान लीजिए टेक्सचर लिए, देखिए बबल टेक्सचर, यहाँ जाएंगे टेक्सचर पे जाएंगे, जैसे देखिए क्रश टेक्सचर, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, टेक्सचर पे जाएंगे जैसे देखिए मार्बल टेक्सचर, तो आपको जो टेक्सचर पसंद आए वो कलर ले सकते हैं, वरना नो फिल। एक बार और देखेंगे, कलर से कोई भी कलर हो सकता है, नो फिल से कलर ख़त्म, मोर फिल से अपनी तरफ से कलर लेने के लिए, पिक्चर से कोई पिक्चर लगाने के लिए, ग्रेडियंट से डबल इफेक्ट कलर के लिए, टेक्सचर से कोई भी टेक्सचर अप्लाई हो सकता है, देखिए जिस तरीके से मैं लगा रहा था पीछे, अभी नहीं चाहिए तो नो। देन नेक्स्ट है शेप आउटलाइन, देखिए अब हम इसकी आउटलाइन पे कलर करेंगे, जो साइड में आउटलाइन दिखाई दे रही है इन आउटलाइंस पे कलर करेंगे, देखिए यहाँ जाएंगे जैसे देखिए रेड आउटलाइन, आउटलाइन पे जाएंगे जैसे देखिए ब्लू आउटलाइन, आउटलाइन पॉइंट पे जाएंगे येलो आउटलाइन, अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो देखिए यहाँ पर है नो आउटलाइन, जैसे अभी आपने देखा था ऊपर नो फिल, इसी तरीके से नीचे है नो आउटलाइन, क्लिक कर देंगे तो देखिए आउटलाइन फिनिश हो जाएंगी। एक बार और देखेंगे, इस पर क्लिक करा, देन क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी आउटलाइन ले लेंगे इस तरीके से, नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नो आउटलाइन कर सकते हैं। उसके बाद है मोर आउटलाइंस, मोर आउटलाइंस कलर पे जाएंगे, आप अपने पसंदीदा आउटलाइन ले लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे, देखिए आपकी पसंदीदा आउटलाइन आ जाएगी, यहाँ क्लिक करेंगे, मोर आउटलाइन मतलब मोर मिस और ज़्यादा, आउटलाइन मिस लाइन्स और कलर मिस रंग, तो अपने पसंदीदा रंग इस तरीके से लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। ओके गाइस, नहीं चाहिए तो नो फिल। उसके बाद यहाँ से वेट, देखिए कितनी डार्क आपको, कितनी बोल्ड आपको आउटलाइन चाहिए, आप ऐसे ले सकते हैं, लाइक जैसे मैंने ये ले लिया 6 PT, और आपको इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ से वेट पे जाना है, और थोड़ी लाइट करनी है तो लाइट कर सकते हैं, दोबारा शेप पे जाना है और इस पॉइंट पे जाके आप थोड़ी ऐसे स्लिम, जैसी भी आप चाहें वैसी आउटलाइन ले सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर है डैशेज, देखिए स्टाइलिश आउटलाइन के लिए लाइक दिस आउटलाइन, और यहाँ पर शेप आउटलाइन पे जाएंगे, डैशेस पे जाएंगे और जैसे देखिए ये आउटलाइन, देन दोबारा डैशेस पे जाएंगे और यहाँ पर जाके देख सकते हैं ये आउटलाइन, अगर आपको नहीं चाहिए तो इस पॉइंट पे जाके आप दोबारा से सिंपल वाली ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है शेप चेंज, देखिए यहाँ पर शेप इफेक्ट्स पे जाएंगे, देखिए शेप में प्रीशेंट, देखिए यहाँ से कुछ अलग अलग इफेक्ट हैं ये देखिए, यहाँ इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे प्रीशेंट, ये देखिए स्टाइल, इस पॉइंट पर जाएंगे प्रीशेंट, कुछ ये स्टाइल, और अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ जाके देखिए आपको नो प्रीशेंट भी मिलेगा, देखिए नो प्रीशेंट हट गया। दोबारा जाएंगे देखिए शेडो, शेडो पे जाने के बाद जैसे देखिए लाइक दिस शेडो, तो देखिए यहाँ पर पीछे शेडो आ गया आपको, थोड़ा एक सेकंड आया नहीं अभी शेडो, यहाँ पर जाएंगे शेडो पे जाएंगे, देन शेडो पे जाने के बाद ओके, तो देखिए नीचे पता नहीं चल रहा है बट लेकिन यहाँ पर शेडो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, अभी केवल ये टेक्स्ट है इस वजह से नहीं दिख पा रहा है, रिफ्लेक्शन है गाइस, इफेक्ट नहीं कर रहा है अभी, और देखिए 3D इफेक्ट तो रियलिटी में इफेक्ट करेगा, आप देख सकते हैं 3D इफेक्ट इफेक्ट कर रहा है। ब्लिफ देखिए ये थोड़ा बोल्ड डार्क करने के लिए, लेकिन अभी कोई इफेक्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ से 3D इफेक्ट में भी अप्लाई कर रहे थे लाइक दिस, और अगर नहीं चाहिए तो यहाँ 3D इफेक्ट पे जाके आप कर देंगे नो 3D, सिंपल हो जाएगा देखिए गाइस। तो गाइज आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होती जा रही है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट को क्लियर करेंगे, आप देख सकते हैं जो आगे के नेक्स्ट पार्ट हैं उन्हें क्लियर करेंगे, आज हमने केवल इतना एरिया को क्लियर किया है। एक बार मैं थोड़ा आपको रिवाइज़ करा देता हूँ, देखिए आप शेप से कोई भी शेप डिज़ाइन कर सकते हैं, शेप एडिट से, यहाँ से एडिट शेप से आप शेप को एडिट कर सकते हैं, ड्रॉ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, यहाँ से आपको जो स्टाइल पसंद है वो स्टाइल कर सकते हैं, देन कलर से कोई भी कलर अच्छा खासा अप्लाई हो जाएगा, नो फिल से कलर ख़त्म हो जाएगा, मोर फिल से अपनी तरफ से कलर लेने के लिए, पिक्चर से कोई भी अच्छी सी पिक्चर लगाने के लिए, ग्रेडियंट से डबल इफेक्ट कलर देने के लिए, टेक्सचर से सेम पिक्चर ऑप्शन की तरह है लाइक दिस। देन उसके बाद शेप आउटलाइन पर जाएंगे, यहाँ से कोई भी आप आउटलाइन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आउटलाइन कलर, नो आउटलाइन से आउटलाइन ख़त्म, मोर आउटलाइन से अपनी तरफ से आउटलाइन लेने के लिए, वेट से कितनी मोटी आउटलाइन चाहिए, डैशेस से डिज़ाइनिंग आउटलाइंस के लिए, और यहाँ से शेप इफेक्ट्स अभी आपने देखे कुछ इस तरीके से, हमने इफेक्ट लेके आपको दिखाए। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो रेडी करूँगा। थैंक यू गाइज़।